तो फ्रेंड, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो नया होता ही रहता है, तो क्यों ना खाने के साथ ही कुछ नया किया जाए। तो आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं मैक्रोनी का बहुत ही अलग अंदाज। तो इस तरह से मैक्रोनी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे मैक एंड चीज़। तो इसे बनाने के लिए जिस चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इस्तेमाल किया 300 ग्राम मिल्क, फिर 1 कटोरी मैक्रोनी है, फिर इसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है कुटी हुई काली मिर्च और 1 छोटी इलायची, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं इस तरह से। फिर इसके बाद मैंने अमूल चीज़ को इस तरह से ग्रेन कर लिया है। आइए फटाफट इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है। अब इस पानी में हम डालेंगे अपनी मैक्रोनी और मैक्रोनी डाल के इसे चला देंगे। तो हमारी मैक्रोनी आपस में चिपके ना, इसलिए हम इसमें डाल लें थोड़ा सा ऑयल और ऑयल डाल के हम इसे चला देंगे। अब मैक्रोनी को हम उबलने के लिए छोड़ देंगे और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैक्रोनी को नहीं उबालना है, नहीं तो हमारी मैक्रोनी कच्ची रह जाएगी। तो इसे हम इसी तरह उबाल लेंगे। जब तक हमारी मैक्रोनी उबल रही है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड, एक पैन ले लेंगे और पैन में हम डालेंगे मिल्क अपना 1 कटोरा और इस मिल्क को हमें गाढ़ा करना है। तो फ्रेंड, जितना हमने दूध डाला है उसका जब आधा दूध हो जाएगा, इतना हमें गाढ़ा करना है और इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे सतह से लगे ना। तो फ्रेंड, शुरुआत में आप गैस के फ्लेम को हाई कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आप इसे लो कर दीजिएगा। तो इसीलिए पहले हम इसे थोड़ा हाई फ्लेम पर करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। और वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, इसे हम चला लेंगे इस तरह से, क्योंकि दूध को हमें लगने नहीं देना है। तो फ्रेंड, हमें दूध को इतना गाढ़ा करना है जितना कि ये बिल्कुल आधा हो जाए। तो इस तरह से हम दूध को गाढ़ा करेंगे और बराबर इसे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप मैक्रोनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी मैक्रोनी आपको खाने को मिलेगी। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस तरह से देखिए, दूध में उबाल आ गया है, लेकिन हमें दूध को बहने नहीं देना है, इसे बराबर चम्मच से हिलाते रहना है। तो हमारा दूध काफ़ी अच्छी तरीके से उबल गया है। अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। और फ्रेंड, अब यहाँ पे हम डाल देंगे इलायची का चिकला और इसे डालकर पकाएंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है इस तरह से, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है और इसमें काफ़ी मलाई पड़ गई है। तो इसे हम इस तरह से चला देंगे ताकि मलाई भी इसकी दूध में अच्छी तरह से मिल जाए। तो हमारा दूध जब आधा हो गया है तो हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और अपनी मैक्रोनी को चेक करेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए हमारी मैक्रोनी जो हमने उबलने के लिए रखी थी, ये अच्छी तरीके से उबल रही है। अब इसे हम इस तरह से चला लेंगे और ये देखिए हमारी मैक्रोनी उबल के इस तरह से हो गई है। तो फ्रेंड, मैक्रोनी को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा हल्का ही उबालना है, क्योंकि हम इसे ज़्यादा उबाल देंगे तो हमारी मैक्रोनी फूट जाएगी, जो हमें अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो इस तरह से जब हमारी मैक्रोनी इतनी उबल जाए तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे एक बार इसे इस तरह से चला के। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल ही लो कर देंगे और इसके बाद इस तरह से देखेंगे, मैक्रोनी हमारी डन हो गई है। अब इसके बाद गैस के फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ
और इस मैक्रोनी को हमें ढक्कन लगाकर 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट बाद इसमें खुद ही भाप आ जाएगा और ये मैक्रोनी जो हमने 80% पकाई है 100% अपने आप को खो जाएगी। तो इसलिए मैक्रोनी को बिल्कुल ओवर मत उबालिएगा, क्योंकि भाप में मैक्रोनी बहुत ही जल्दी फूल जाती है। तो इसे हम इस तरह से ढक्कन लगा कर रख देंगे। और आइए आगे के प्रिपरेशन कर लेते हैं, अपने दूध को चेक करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा दूध आधा हो चुका था। अब इसके बाद हम गैस के फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसमें डालेंगे काली मिर्च जो हमने कूट कर रखी है, और इसे डालकर हम चला देंगे ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब फ्रेंड हम अपनी मैक्रोनी जो ठंडी होने के लिए रखे थे उसे छान लेते हैं और इसे फिर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी मैक्रोनी अच्छी तरीके से उबल गई थी और मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम अपने दूध में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड ऐड करने के बाद हम इसे चला देंगे इस तरह से, और दूध के इसमें अच्छी तरीके से दूध में इसे मिला देंगे और गैस के फ्लेम को तेज़ रखेंगे ताकि इसमें बॉईल आ जाए अच्छी तरह से। तो फ्रेंड अब हम दूध को थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, क्योंकि हमने इसमें मैक्रोनी डाला था और मैक्रोनी में पानी होता है। तो इस तरह से हम दूध को और गाढ़ा कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक तेज पत्ता, और तेज पत्ता डालकर हम इसे चला देंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट कुक करेंगे, क्योंकि हमारी मैक्रोनी पकी हुई है तो इसलिए हमें गैस के फ्लेम को लो नहीं करना है, नहीं तो हमारी मैक्रोनी और पक जाएगी। और इसे हमें इसी तरह चलाते रहना है। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा दूध आधा हो चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और इसे डालकर चला देंगे। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है क्योंकि हम इसमें चीज़ डालेंगे तो इसलिए इसमें सॉल्ट होगा ही। अब इसके बाद जो हमारी चीज़ है जो हमने ग्रेट करके रखी थी इस तरह से, उसे हम पूरा का पूरा डाल देंगे इसके अंदर और इसे मिक्स कर देंगे। और इसे इस तरह से चला देंगे। तो फ्रेंड देखिए कि कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में कितनी टेस्टी लगेगी। आप इसे किसी के सामने पेश करेंगे तो उससे लगेगा कि आपने इसे होटल से बनाया है। तो फ्रेंड चीज़ डालने के बाद हमें इसे चला देना है, और ये देखिए ये डन है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। कितना अच्छा कलर आया है और कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी के सामने पेश करेंगे तो उससे लगेगा आपने इसे किसी होटल से मंगाया है, तो आप इन्हें सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैक्रोनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैक्रोनी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। अब ऐसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड तैयार है भाई मैक्रोनी, देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड मैक एंड चीज ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किसका फ्लेवर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।